क्या आप जानते हैं कि 40% ट्रेडर अपनी पहली ट्रेड में ही अपना पूरा का पूरा कैपिटल मनी लॉस्ट कर देते हैं? क्या आपको पता है ऐसा क्यों होता है? चलिए आज के इस वीडियो में बात करते हैं। ज्यादातर ट्रेडर अपना कैपिटल सिर्फ फर्स्ट ट्रेड के अंदर ही लूज कर देते हैं और उसके पीछे की वजह होती है इमोशनल ट्रेडिंग। एग्जाम्पल से बताता हूँ आपको कि अगर आप निफ्टी या बैंक निफ्टी में मान लीजिए आपने कोई ट्रेड लिया और थोड़ी देर बाद आपको लगता है कि प्राइस आपके बाइंग लेवल से नीचे जा रहा है, यानी कि आपको नुकसान हो रहा है, तो जैसे ही हमारा अकाउंट नेगेटिव में जाने लगता है उसके बाद हमारी मेंटेलिटी चेंज होती जाती है ट्रेड को लेके, और हम अपना स्टॉप लॉस कभी कभी लगाते नहीं हैं, कभी कभी लगाया स्टॉप लॉस को हम हटा देते हैं, क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि ये प्राइस जो है वो कभी ना कभी ऊपर ज़रूर आएगा और हमको प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन क्योंकि हम ट्रेंड के अगेंस्ट बैठे होते हैं इसलिए वो प्राइस कभी वापस नहीं आता और हमारा कैपिटल जो है वो पूरा का पूरा लॉस्ट हो जाता है। इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में भी इसी वीडियो में बात करेंगे। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण राणा और आप देख रहे हैं एल्गोक्रैप का ट्रेडिंग ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर ट्रेड अपना पैसा नुकसान कर देते हैं सिर्फ एक ट्रेड में इमोशनल होकर, उससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? उससे बचने के लिए आप जा सकते हैं एल्गो ट्रेडिंग की तरफ। बहुत सारे ट्रेडर आजकल एल्गो ट्रेडिंग की तरफ जा रहे हैं और एल्गो ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्योंकि एल्गो ट्रेडिंग आपको देता है इमोशनलेस ट्रेडिंग। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एल्गो ट्रेडिंग क्या होती है। एल्गो ट्रेडिंग दोस्तों यानी कि ऑटोमेटिक ट्रेडिंग, यानी कि अपने आप होने वाली ट्रेडिंग। इसमें क्या होता है कि हम एक फॉर्मूला जो होता है, कोई भी, जैसे कि आप जब ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक मार्केट में तो कोई ना कोई इंडिकेटर सभी लोग लगाते होंगे, कोई मूविंग एवरेज लगाता है, कोई MACD लगाता है, कोई सुपर ट्रेंड लगाता है। तो इस तरीके से जो इंडिकेटर्स लगाकर जब हम ट्रेड करते हैं तो उस ट्रेड को हम ऑटोमेट कर सकते हैं, यानी कि वो जो प्रोग्राम है वो सुपर ट्रेंड का या मूविंग एवरेज का जो फॉर्मूला है उसमें आने वाले सिग्नल्स को हम ऑटोमेट कर सकते हैं, यानी कि जब भी उसमें बाय का सिग्नल आएगा तो आपका ऑटोमेटिक ट्रेड हो जाएगा और जब भी उसमें सेल का सिग्नल आएगा तब भी आपका ऑटोमेटिक ट्रेड हो जाएगा। ऐसा करने से आपको दोस्तों ये फायदा होता है कि जो हम इमोशनल ट्रेड में एक ही ट्रेड में अपना 100% कैपिटल लॉस कर देते हैं वो यहाँ पर होने के चांसेस 0% हैं, क्योंकि यहाँ पर आप अपना स्टॉप लॉस और टारगेट सेट कर सकते हो। मान लीजिए आपने सेट किया कि 0.5% का आपका स्टॉप लॉस या 0.5% का टारगेट हो जाए, वहाँ पर आप एग्जिट कर सकते हैं पोजीशन। तो वो एल्गो में जब आप प्रोग्राम कर देंगे तो एल्गो अपने आप उस चीज़ को समझेगा और 0.5% अप या 0.5% डाउन जाने के बाद वो अपने आप से आपकी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देगा। यही नहीं, 0.5%, 1%, 1.5%, 2%, जितना भी आपको स्टॉप लॉस या टारगेट सेट करना है वो आप आसानी से सेट कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा आसान प्रोसेस होता है। तो चलिए मैं आपको अपनी वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ और बताता हूँ कि अगर आप MACD का इंडिकेटर यूज़ करते हैं, यानी कि मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस का इंडिकेटर आप यूज़ करते हैं, तो आप हमारे प्लेटफॉर्म की मदद से किस तरीके से अपने ट्रेड्स को ऑटोमेट कर सकते हैं, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले जो व्यूअर्स इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए हमें कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस वक्त आप हमारी वेबसाइट के ऊपर हैं। वेबसाइट का एड्रेस है www.algocrab.com। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर आते हैं वहां आपको दो बटन मिलेंगे, एक साइनअप का और एक लॉगिन का। अगर आप हमारी कंपनी के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट को स्क्रॉल करके देख सकते हैं। यहां पर सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि किस तरीके से हमारा प्लेटफॉर्म काम करता है और क्या क्या चीज़ें यहां पर अवेलेबल हैं, उन सब की जानकारी हमारी वेबसाइट के मेन पेज पर आपको मिल जाएगी। सबसे पहले आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन के लिए आप लॉगिन का बटन प्रेस कर सकते हैं। अगर आपके पास एल्गोक्रैप का अकाउंट नहीं है और आप पहली बार हमारी वेबसाइट पर आए हैं तो आपको क्रिएट एन अकाउंट पे जाना होगा। यहाँ पर आपको अपनी डिटेल फिल करनी होगी, मोबाइल OTP से वेरीफाई करना होगा और आपका अकाउंट सक्सेसफुली ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी एक अकाउंट है तो मैं अपने अकाउंट से लॉगिन करता हूँ। जैसे ही आप लॉगिन के पेज पर जाते हैं आपको ये वाला पेज दिखाई देता है। यह पेज है डैशबोर्ड का। डैशबोर्ड के पेज पर आपको हमारी सारी प्रीडिफाइंड स्ट्रेटजीज की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। आप देख सकते हैं किसी भी स्ट्रेटजी में अगर आपको काम करना है तो आप कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारा प्लेटफॉर्म किस तरीके से काम करता है। बेसिकली हमारे प्लेटफॉर्म पर आपको दो चीज़ें मिलती हैं। पहली चीज़ प्रीडिफाइंड स्ट्रेटजीज
और दूसरी चीज़ है ब्रिज। अगर मैं प्री डिफाइंड स्ट्रेटजीज की बात करूँ तो प्री डिफाइंड स्ट्रेटजीज में हमने कुछ स्ट्रेटजीज बनाई हैं जो कि ट्रेडर्स मोस्टली यूज करते हैं, जैसे कि सुपर ट्रेंड, मूविंग एवरेज, क्रॉसओवर, मूविंग एवरेज, MACD, RSI, पैराबोलिक SAR। इस तरीके की स्ट्रेटजीज जो है वो हमारे प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं और आप इनको मोबाइल से ऑटोमेट कर सकते हैं। बेसिकली जो ब्रिज टूल होता है, इसमें ही दूसरा जो हमारा ऑप्शन आपको मिलता है वो है ब्रिज टूल। ब्रिज टूल में क्या होता है कि चार्टिंग सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट करके, ब्रिजिंग करके और आप ट्रेड कर सकते हैं। सरल भाषा में मैं आपको समझाऊं कि चार्ट से ट्रेड निकलकर एल्गो क्रैब में आता है और एल्गो क्रैब से आपके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे जाता है। इसके लिए कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है। कई बार लोगों के पास कंप्यूटर नहीं होता और कई बार लोगों के पास टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज नहीं होती, तो वो यूज़ कर सकते हैं प्री डिफाइंड स्ट्रेटजीज़ का। प्री डिफाइंड स्ट्रेटजीज़ में मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे आने के बाद क्या करना होगा। यहाँ पर जैसे ही आप हमारे प्लेटफॉर्म पर लॉगिन करते हैं तो आपको सबसे पहले 6 दिन का फ्री ट्रायल मिलता है। फ्री ट्रायल में आप हमारी किसी भी सर्विस का आनंद उठा सकते हैं। अलग अलग स्ट्रेटजीज़ के अलग अलग प्राइस लेवल हैं, जो भी आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे कि आज का वीडियो MACD के ऊपर है, तो MACD का जो प्राइस है वो मंथली 1499 है, यानी कि 1499 मात्र आप देकर एक महीने तक MACD के इंडिकेटर पर फ्री ट्रेडिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको अलग अलग प्लान्स भी मिल जाएंगे, जैसे अगर आप क्वार्टरली प्लान लेते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ डिस्काउंट्स भी ऑफर किए जा रहे हैं हमारी तरफ से, वो आप डिस्काउंटेड अमाउंट पे भी पे कर सकते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस जो आपको करना है हमारे प्लेटफॉर्म पर वो है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन में आप कोई भी ब्रोकर यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे 5 पैसा है, एलिस ब्लू है, एंजल है, और यहाँ पर कोटक भी है और पेटीएम मनी भी है। आज की वीडियो में मैं आपको पेटीएम मनी से दिखाता हूँ। अगर आप पेटीएम मनी से यूज़ करते हैं तो आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको अपडेट का बटन प्रेस करना होगा, ठीक है। अपडेट का बटन प्रेस करने के बाद जब आप गेट एक्सेस टोकन पर जाएंगे तो ये आपको पेटीएम की वेबसाइट पर ले जाएगा। यहाँ पर आपको आपके डिटेल्स डालनी है। और हाँ दोस्तों, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अभी मैं आपको पेटीएम अकाउंट से दिखा रहा हूँ, लेकिन आप लिस्टेड में से कोई भी अकाउंट यूज़ कर सकते हैं। हमारे लिस्ट में काफ़ी सारे ब्रोकर्स अवेलेबल हैं, किसी भी ब्रोकर के थ्रू आप ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ, आप दोबारा से बता देता हूँ। यहाँ पर 5 पैसा है, एलिस ब्लू है, एंजल ब्रोकिंग है, बसन है, एनरिच है, फिनडॉक है, फिनवेशिया है, फायर्स है, इंद्रा सिक्योरिटीज़ है, कोटक है, मास्टर ट्रस्ट है, पेटीएम है, SAS ऑनलाइन है, सेमको है, ट्रेड स्मार्ट है, ट्रस्ट लाइन है, जीवो है, सिरोदा है, ठीक है। इनमें से किसी भी ब्रोकर के साथ आप काम कर सकते हैं आराम से। अब यहाँ पर हमें जब टोकन मिल जाता है तो दोस्तों इस तरीके का कुछ टैक्स हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर हम वैलिडेट टोकन करके क्लिक करके देखेंगे तो यहाँ पर एक्सेस टोकन वैलिड का टेक्स्ट आ रहा है। अगर आपका एक्सेस टोकन का वैलिड का टेक्स्ट आ रहा है, इसका मतलब आपका अकाउंट अब हमारे एल्गो क्रैब से लिंक हो गया है। अब आपका ट्रेड डेली ऑटोमेटिक होता रहेगा, लेकिन उसके लिए आपको एक चीज़ करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको आप ध्यान से सुनिए। एट ऑथेंटिकेशन के टैब में जब आप आते हैं तो ये वाला जो काम मैंने अभी किया है एक्सेस टोकन लेने का, गेट एक्सेस टोकन वाला, वो आपको डेली 8 से 9 बजे के बिटवीन करना है। आप चाहें तो अपने मोबाइल से कर सकते हैं, आप चाहें तो डेस्कटॉप या लैपटॉप से कर सकते हैं। ये प्रोसेस करना ज़रूरी है क्योंकि सेबी की गाइडलाइंस के अनुसार 24 घंटे में एक बार टोकन एक्सपायर हो जाता है और उस टोकन को फिर से रीजनरेट करना पड़ता है, और ये मैनुअल टास्क है, ये एक बार ज़रूर करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। ये था ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस। ऑथेंटिकेशन के प्रोसेस के बाद डायरेक्टली आप आ सकते हैं हमारे स्ट्रेटजीज़ के सेक्शन में। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगी दोस्तों, वो ये है कि आप कौन सी स्ट्रेटजी और कौन से सिंबल में बेस्ट काम करती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल है। यानी कि अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा हीट मैप के सेक्शन में, और जैसा कि आज का वीडियो हमारा MACD के बारे में था, तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा MACD का इंडिकेटर, ठीक है। यहाँ पर अब ये देखिए MACD यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर मैं MACD पे क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पर हमें डिटेल ला के आएगा कि 1 जुलाई से लेके अभी तक क्या सिग्नल्स बने हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पर सारे सिग्नल्स की इन्फॉर्मेशन आ रही है, प्रॉफिट इन अमाउंट भी आ रहा है और प्रॉफिट इन पॉइंट्स भी आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ सिग्नल्स की 100% एक्यूरेसी आ रही है, वहीं कुछ सिग्नल्स की 87% 83% एक्यूरेसी भी आ रही है। यहाँ पर आप देखेंगे अदानी एंटरप्राइजेज में आपको देख रहे मिल रहा है 67 पॉइंट्स का प्रॉफिट और 33,944 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है अभी तक यानी कि 13 तारीख तक, 13 जुलाई 2022 तक, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग एक्यूरेसी के लेवल्स के सिम्बल्स आपको देखने को मिल जाते हैं।
किसी भी सिंबल में अगर आपको ट्रेड करना है तो आप वो सिंबल सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट सपोज यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ अदानी पोर्ट में मुझे 17,000 का प्रॉफिट और कुछ 13 पॉइंट का प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि अदानी पोर्ट के सिंबल में मैं ट्रेड करूँ, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें जाना होगा कस्टमाइज स्ट्रेटजी के पैनल में। जाने के बाद हमें क्रिएट सिंबल पर क्लिक करना होगा। यहाँ हमें सिलेक्ट करनी है स्ट्रेटजी, उसके बाद हमें सिलेक्ट करना है सिंबल। ये देखिए अदानी एंटरप्राइजेस। अगर आप कैश में करना चाहते हैं तो आप अदानी एंटरप्राइजेस कैश यूज़ कर सकते हैं। अगर आप फ्यूचर में करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर फ्यूचर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर फ्यूचर आ गया 28 जुलाई 2022 का, यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। अब सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पर क्वांटिटी डालूंगा, अदानी एंटरप्राइजेस की जितनी भी क्वांटिटी है, जो भी उसका लॉट साइज़ है, वो आपको यहाँ पर डाल देना है। एग्जाम्पल के लिए मैं 250 डाल रहा हूँ, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है इसका कितना लॉट साइज़ है, वो आप अपने ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे आराम से देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर आपको ट्रेड MIS यानी इंट्राडे करना है तो आप MIS सिलेक्ट कर सकते हैं, नॉर्मल ट्रेड करना है तो NRML को सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे आपको मार्केट लिमिट और SL के मार्केट के ऑर्डर मिल जाते हैं, वहाँ पर मार्केट ही मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मार्केट ऑर्डर यूज़ करें। स्टॉप लॉस आपको ऑन करना है, अगर ऑफ़ करेंगे तो स्टॉप लॉस नहीं लगेगा, लेकिन स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो फिर एक ही ट्रेड में पूरा लॉस हो जाएगा ना, तो उसके लिए स्टॉप लॉस को यहाँ पर ऑन करेंगे। टारगेट के हमारे पास 3 अलग अलग ऑप्शंस हैं, टारगेट 1, 2, 3। यहाँ पर अगर जब हम टारगेट की बात करें तो टारगेट 1 जो है यहाँ पर और स्टॉप लॉस जो है वो है 0.25%, यानी कि आधा परसेंट से भी कम। और ये 0.25% किसका है? उस पर्टिकुलर स्टॉक की वैल्यू का। मान लीजिए उस पर्टिकुलर स्टॉक की वैल्यू जो है वो 100 रुपये है, तो 25 पैसे का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट 1 भी 25 पैसे का रहेगा। टारगेट 2 के लिए यहाँ पर आपको मिलता है 70.75%, यानी कि आधे परसेंट से ज़्यादा, और टारगेट 3 में मिलेगा आपको 1.25%, ठीक है। इस तरीके से आप टारगेट्स को डिसाइड कर सकते हैं, जो भी टारगेट आपको रखना है उस हिसाब से आप रख सकते हैं। उसके बाद करना होगा आपको सेव चेंजेस। सेव चेंजेस करने के बाद आपको यहाँ पर एक कार्ड दिखाई देगा, ठीक है। ये कार्ड आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसमें एक लाल कलर का बटन है जिसे हमें स्टार्ट करना है। इसको क्लिक करने के बाद ये काले कलर का हो जाएगा। बस दोस्तों इतना ही हमें करना था, इसके अलावा कुछ नहीं करना था। जितने भी सिंबल आप चाहते हैं यहाँ पर ऐड कर सकते हैं अपनी कैपिटल के अनुसार। अगर आपका कैपिटल 2 लाख या 5 लाख जितना भी है उसके हिसाब से आप सिंबल्स लगा सकते हैं, और जो भी सिंबल्स आप लगाएंगे उनको आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने स्टार्ट कर दिया उसके बाद कभी भी कोई नया सिग्नल आएगा तो आपका ट्रेड उसमें प्रॉपरली हो जाएगा। इतना ही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है। आप आइए हमारे प्लेटफॉर्म पे। स्टेप्स क्या रहेंगे वो मैं आपको दोबारा से दोहरा देता हूँ। ऑथेंटिकेशन के टैब में जाना है, उसके बाद आपको जाना है स्ट्रेटजीज के टैब में, हीट मैप में। वहाँ से आपको चूज़ करने हैं अपने बेस्ट सिंबल, और कोई भी स्ट्रेटजी आप चूज़ कर सकते हैं, कोई भी सिंबल आप चूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको सिंबल को लगा देना है और उसके बाद स्टार्ट कर देना है। जैसे ही कोई नया सिग्नल आएगा आपका ट्रेड ऑटोमेटिकली हो जाएगा और आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको लगता है कि आपका प्रॉफिट सफिशिएंट हो गया है और आपको आपके ट्रेड को स्क्वायर ऑफ करना है, तो यहाँ पर जो ग्रीन कलर का बटन है इससे आप ट्रेड को स्क्वायर ऑफ भी कर सकते हैं। जैसे ही आप इस बटन को प्रेस करेंगे आपको यहाँ पर एक टोस्ट दिखाई देगा जिसमें लिखा होगा पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो गई है, ठीक है। दोस्तों ये था आज का वीडियो, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और सारी चीज़ें समझ में भी आई होंगी। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम या कन्फ्यूज़न होती है तो आप 9:30 से 5:30 के बीच हमें नीचे दिए हुए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, नंबर्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आप पेटीएम मनी का अकाउंट खोलना चाहते हैं तो भी आप हमारी वेबसाइट पर दिए हुए लिंक से पेटीएम मनी का अकाउंट खोल सकते हैं। उनका जो ब्रोकरेज स्लैब है उसमें वो 10 रुपये ब्रोकरेज देते हैं पर ऑर्डर, और उनका 1 रुपीज़ के आसपास प्लेटफॉर्म चार्जेस है एवरीडे का, यानी कि 300 रुपये का AMC है। लिंक आपको वहां पर हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा। अगर आप उस लिंक से अकाउंट ओपन करते हैं तो हम आपको कुछ डिस्काउंट देंगे अपनी सर्विस पर। तो चलिए मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग दोस्तों।